नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, काउंसिलर हूँ। मैं हमारा खुद का हॉस्पिटल है केड़कर हॉस्पिटल, जो अकोला में महाराष्ट्र में है। मैं कुछ ऐसी वीडियो सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं हाउ टू गेट मोटिवेटेड ऐसा बताता हूँ लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, एग्जाम गोइंग लोगों को। मैं वो आज वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज जो मेरा पॉइंट है वो है सोसाइटी प्रेशर, पीयर प्रेशर विच इज अफेक्टिंग स्टूडेंट्स। पीयर प्रेशर मतलब जो हमारे आसपास के बच्चे हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, उनका प्रेशर बनते जाता है बच्चों पे। साथ ही में पेरेंटल प्रेशर बनते जाता है, मतलब माँ बाप प्रेशर बनाते हैं कंटिन्यूअसली, और साथ ही में सोसाइटी प्रेशर बनते जाता है। तो ये तीनों प्रेशर्स की वजह से जो इफेक्टिविटी है, जो रिजल्ट्स है बच्चों की, वो आजकल मार खा रही है। सबसे पहले बात करते हैं पीयर प्रेशर की। हमारे बच्चे जो है वो बाकी के जो कलीग्स है उनके कंटिन्यूअस प्रेशर के कारण दबे हो रहते हैं। लेकिन हमने ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम बाकी लोगों से अलग है। अगर बाकी लोग 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने वही कंपटीशन में रख के 15 घंटे पढ़ना है। हमारी खुद की स्पीड है, हमने कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है, हमने खुद के हिसाब से पढ़ना है। अगर मेरे कलीग्स की गर्लफ्रेंड है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, और अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो मैं टेंशन में आ जाऊंगा और सुसाइड का अटेम्प्ट करूंगा। हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इंटेलिजेंट है, स्मार्ट वर्किंग है, पैसा है, लेकिन डिप्रेशन में है, क्योंकि वो बोलते हैं कि मेरे कलीग्स के पास गर्लफ्रेंड है और मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ये जो पीयर प्रेशर है, ये हमने याद रखना है कि कभी भी पीयर प्रेशर से हमने मुक्त होना है। और पेरेंट्स के लिए ये सोचना है कि अगर आपके बच्चों पे पीयर प्रेशर मतलब कलीग्स का प्रेशर हो तो उसे हमने दूर करना है, वो चैनल को हमने ब्रेक करना है। एडिक्शन के बारे में मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूं। एडिक्शन का जो प्रेशर बच्चों पे आता है वो हमने दूर करना है। जो सेकंड प्रेशर है जो आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चालू है, वो है पेरेंटल प्रेशर। आजकल पेरेंट्स को लगता है कि जो हम हासिल नहीं कर सकते वो हमने हमारे बच्चों ने करना चाहिए। हम उनको पैसा देंगे, टाइम देंगे, अच्छे अच्छे मटेरियलिस्टिक गिफ्ट देंगे, और फिर उन्होंने इन द रिटर्न हमें अच्छे अच्छे रिजल्ट देने चाहिए। इसके लिए वो कंटिन्यूअस प्रेशराइज करते हैं अपने बच्चों को, उनको बोलते हैं पढ़ाई करो, टीवी मत देखो, गेम्स मत खेलो, कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते जाओ, नींद मत लो, और उसके कारण जो बच्चों का परफॉर्मेंस है वो डैमेज होते जाता है। मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को प्रेशराइज न करें। जैसे मैंने पहले भी कहा, हर एक चाइल्ड का स्पीड होता है, उसकी एक एफिशिएंसी होती है, उसका एक इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, तो वो अपने हिसाब से पढ़ाई करता है, अपने हिसाब से गेम्स खेलता है, अपने हिसाब से सोता है। अगर हम कंटिन्यूअसली प्रेशराइज करेंगे बच्चों को, उनको गलत साबित करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, तो उसके कारण बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो कंप्लीटली डैमेज हो सकता है और वो धीरे धीरे नीचे आ सकते हैं। इसलिए हमेशा हमने ये याद रखना चाहिए कि हमने बच्चों को प्रेशराइज करना नहीं चाहिए। जो अगला पॉइंट है वो है सोसाइटी प्रेशर। पहला था पीयर प्रेशर, दूसरा था पेरेंटल प्रेशर, और तीसरा है पीयर प्रेशर, तीसरा है सोसाइटी प्रेशर। सोसाइटी के जो प्रेशर है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, फेसबुक, पोर्नोग्राफी, इंस्टाग्राम, ये सब चीजों के वजह से हमारे जो बच्चे हैं उनके दिमाग पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ रहा है। आजकल हर व्यक्ति को लगता है कि मैं सोशल मीडिया पे जाऊं, फेसबुक पे फोटोज डालूं, व्हाट्सएप पे चैटिंग करूं, इंस्टाग्राम पे फोटोज डालूं, और अगर उनको लाइक्स आते नहीं है, उनको थम्स अप मिलता नहीं है, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये बच्चों को समझाना जरूरी है कि ये सब वर्चुअल वर्ल्ड है, सोशल मीडिया ये वर्चुअल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड नहीं है, और आपने इस वर्ल्ड से दूर रहना है और आपने पढ़ाई पे फोकस करना है। रादर मैं हमेशा ये बोलता हूं कि 12वीं के पहले हमने 12th स्टैंडर्ड के पहले व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये अकाउंट बनाने नहीं चाहिए, और हमने हमारे बच्चों को मोबाइल देना नहीं चाहिए। अगर हम 12th के बाद बच्चों को मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक दिलाते हैं तो बच्चा तब तक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन आजकल के सोशल मीडिया ने बच्चों को कंप्लीटली डैमेज कर दिया है। वीडियो का जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है उसके जरिए मैं ये बताना चाहता हूं कि जो पीयर प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर और सोसाइटी का प्रेशर बच्चों पे बढ़ रहा है वो घातक हो रहा है। उसके कारण बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, उसके कारण बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो सुसाइड के केसेस है, आत्महत्या के जो केसेस है, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए पेरेंट्स के लिए ये एडवाइस है कि रोज जाके बच्चों से बात करें,
कोई किसी भी प्रकार का प्रेशर है क्या, वो ढूंढे, बच्चों से डील करे, और अगर प्रेशर होगा तो वो निकालने की कोशिश करे। हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चा कोई भी लेवल तक पहुंच सकता है, लेकिन उसकी अपनी एक स्पीड है, वही हिसाब से वो बच्चा आगे जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी आगे का वीडियो लेके आऊंगा। धन्यवाद।